सुनो चंदा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सुनो चंदा की आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से अरसल और जिया में नोकझोंक चलती रहती है। यहाँ शायरी कहता है, जिया तुम्हें कहीं जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वहीं पे अरसल आ जाता है। अरसल कहता है कि सीधी तरह चलती हो या यहीं छोड़ जाऊँ। खैर, अरसल के साथ वो यूनिवर्सिटी तो चली जाती है। जब वो वापसी पे उसे लेने जाता है तो उनकी नोकझोंक फिर सड़क पे स्टार्ट हो जाती है। अरसल कहता है कि तुमने घर जाना है या हाँ यहीं तमाशे करते रहना है। आगे से जिया अकड़ती है, कहती है जाओ तुम चले जाओ, मुझे अब मेरे घर का एड्रेस अच्छे से मालूम है। और वहाँ से अरसल सच्ची में चला जाता है, जिया वहीं खड़ी रह जाती है। जब घर आता है तो अरसल का बाप कहता है, लनत है तेरी मर्दानगी पे, ठा मुंह पे तमाचा पड़ता है। और वो कहता है कि तू घर की बच्ची को वहीं पे छोड़ आया है। अरसल आगे से कहता है कि वो भी तो वहाँ पे अकड़ रही थी कि मुझे घर का रास्ता पता है। तो ठीक है, पता है तो अब तक घर पहुँची क्यों नहीं। सारा घर परेशान होता है। आगा जान अचानक से आ जाते हैं और कहते हैं कि समंदर से एक लड़की की लाश मिली है। अरसल के तो रंग जैसे उड़ ही जाते हैं। यहाँ पर अरसल का हालू कहता है, इसको दो चार चपेरे और मारनी चाहिए। दो चार